अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर के टॉपिक को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे, जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना का सबसे पहले लफ्जी मतलब आपको समझना होगा। एंजाइना का मतलब होता है पेन और पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट। अब सीने में जो दर्द उठता है उसके लिए जो वर्ड यूज हो रहा है एंजाइना पेक्टोरिस। तो डेफिनेशन क्या बनती है? लैक ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द हार्ट कैन कॉज चेस्ट पेन। देखें, एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन, एंजाइना पेन, पेक्टोरिस यहाँ चेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कहा कि सीने में दर्द क्यों उठता है? लैक ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द हार्ट, भाई दिल है ना, दिल को भी पंप करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन जो है वो दिल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, दिल को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो क्या होती है? कम होती है। लैक ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन जितनी दिल को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्या होता है? कैन कॉज चेस्ट पेन, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। एंड अ रेडिएटिंग पेन इन द लेफ्ट आर्म, और ये जो दर्द होता है वो सीने में भी दर्द होगा और उल्टे बाजू लेफ्ट आर्म की तरफ भी ये क्या होगा? दर्द उठता है। तो उसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अचानक से कोई भी शख्स उसके सीने में दर्द उठे और दर्द के साथ साथ लेफ्ट आर्म में भी अगर पेन होना शुरू हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि उसको क्या हुआ है? एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्यों होता है? लैक ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो दिल को सही से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसके सीने में दर्द उठता है। अब ऑक्सीजन क्यों सही तरीके से नहीं मिल पाती, तो आइए हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ पढ़ते हैं। स्ट्रेन ऑन द हार्ट बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। जब इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा वजन उठा लेता है, ज़्यादा अचानक से रनिंग करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है? स्ट्रेन ऑन द हार्ट, हार्ट दिल के ऊपर दबाव पड़ता है। बाई इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ा ना, आपने काम ज़्यादा किया, बाई इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जो है उसको ज़्यादा करना पड़ा इसलिए दिल पर दबाव पड़ा। ऑल्दो द हार्ट में इनलार्ज इन रेस्पॉन्स टू दिस एडिड डिमांड, और मल्टीपल टाइम अगर बहुत ज़्यादा जो इंसान जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है, तो क्या होता है? उसके दिल के ऊपर लोड पड़ता है, और लोड जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? दिल जो है वो इनलार्ज हो जाता है, हार्ट जो है वो इनलार्ज होता है। इन रेस्पॉन्स टू दिस एडिड डिमांड, भाई ज़्यादा काम वजन उठाने की वजह से, ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से क्या होगा? दिल की साइज बढ़ जाती है। टू दिस एडिड डिमांड इट्स ओन ब्लड सप्लाई मे नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी। भाई देखें भाई, हुआ ये कि एक शख्स था, उसका दिल जो था फॉर एग्जांपल ये था, छोटा था, नॉर्मल, और ये इसकी ब्लड सप्लाई थी। ये ब्लड सप्लाई ना, कोरोनरी आर्टरीज जो दिल की सप्लाई है ये थी। अब वो रोजाना वजन और ये उठाना शुरू कर रहा है, तो जिसकी वजह से इसका जो दिल था वो दिल की साइज क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन उसकी ब्लड सप्लाई क्या रही? ब्लड सप्लाई जो है वो उतनी रही, ब्लड सप्लाई में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो अब दिल की साइज बढ़ गई है, सही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वजन उठा रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग, जिम ज्वाइन कर चुका है, लेकिन दिल की साइज में इजाफा हो गया, लेकिन उसकी ब्लड सप्लाई जितनी बढ़नी चाहिए उसमें इजाफा नहीं हुआ। तो हमने कहा ऑल्दो द हार्ट में इनलार्ज, दिल जो है वो क्या हुआ? इनलार्ज हुआ। इन रेस्पॉन्स टू दिस एडिटेड डिमांड, भाई डिमांड जो बढ़ गई थी ना काम ज़्यादा करने की वजह से, दिल की साइज बढ़ गई। इट्स ओन ब्लड सप्लाई मे नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी, जबकि उसकी जो दिल की अपनी ब्लड सप्लाई है उसमें इजाफा नहीं हुआ। द हार्ट मसल इज देन इनएडिक्वेटली सप्लाई विद ब्लड स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो लिहाजा जो है वो दिल की अपनी ब्लड सप्लाई में इजाफा नहीं हुआ, तो होगा क्या? होगा ये कि दिल के मसल को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और स्पेशली कब ऐसा होगा? जब एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज जब अचानक से वो करना शुरू कर देता है तो उस दौरान अचानक से उसके सीने में दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस, इसके दिल को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहे। अब हम बात करते हैं हार्ट फेलियर की, बात करेंगे। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर इज कैरेक्टराइज बाय हार्ट इनएबिलिटी टू पंप एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द बॉडी विदाउट सफिशिएंट ब्लड फ्लो, ऑल मेजर फंक्शन आर डिस्टर्बड बाय हार्ट फेलियर। फेलियर का मतलब क्या होता है?
फेलियर का मतलब वो सही तरीके से काम ना करे। तो हार्ट फेलियर इज कैरेक्टराइज बाय द हार्ट्स इनएबिलिटी टू पंप एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड। दिल जो है वो सही तरीके से ब्लड पंप नहीं कर सकेगा। क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा, दिल जो है वो सही तरीके से जो है वो पंप नहीं कर सकेगा टू द बॉडी। अब दिल अगर खून सही तरीके से पंप नहीं करेगा तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खून सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, तो हार्ट्स इनएबिलिटी टू पंप एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, ब्लड सही तरीके से पंप नहीं कर सकेगा टू द बॉडी विदाउट सफिशेंट ब्लड फ्लो। अगर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, ऑल मेजर बॉडी फंक्शन आर डिस्टर्बेड। अब जिस्म के जिस जिस हिस्सों को खून की ज़रूरत है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, गुर्दे, जिगर, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो क्या है, हार्ट फेलियर में जा चुका है। अब कॉन्जेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे। अ कॉन्जेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। भाई कॉन्जेनाइटल का मतलब पहले समझ लो पैदाइशी। हार्ट प्रॉब्लम यानी पैदाइशी तौर पर उसके मतलब जो बच्चा जब पैदा हुआ है और पैदाइशी तौर पर उसके दिल में क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अ कॉन्जेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम यानी पैदाइशी प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। दिल की जो है वो बनावट में क्या होगा, दिल की बनावट में ही मसला होगा। द प्रॉब्लम कैन इन्वॉल्व द वॉल ऑफ हार्ट, दिल के जो वॉल है ना, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंटिकुलर सेप्टम, उसके दिल के बीच में जो वॉल होती है उसमें ही प्रॉब्लम हो सकती है। द वॉल ऑफ द हार्ट, आपको मालूम है एवी वॉल, सेमी ल्यूनर वॉल, याद है ना, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, वो वॉल सही तरीके से नहीं बने होंगे। एंड द ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट, और हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होगी वो प्रॉपरली नहीं बन पाती। ये तमाम चीज़ें जो है वो किस कैटेगरी में आती है, कॉन्जेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम में। तो यहाँ जाकर ये बेसिक लेक्चर एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर और कॉन्जेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम के हवाले से हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।